गढ़वा दृष्टि से संवाददाता अरमान खान की रिपोर्ट। गोरख धंधा करने वाले लोगों को पुलिस किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रमोद केसरी। धुरके पुलिस ने शुक्रवार को धुरके प्रखंड मुख्यालय स्थित मुख्य पथ के निकट देसी शराब की दुकान से अवैध रूप से बिक्री करने के उद्देश्य से छिपाकर रखे गए 2,50,000 रुपए मूल्य का 33 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद कर लिया है। जब्त किया गया अवैध अंग्रेजी शराब देसी शराब के वैध दुकान में अवैध तरीके से बिक्री करने के लिए रखा गया था। पुलिस को देसी शराब के दुकान में अवैध तरीके से अंग्रेजी शराब बड़े पैमाने पर दुगने दामों पर बिक्री करने के लिए रखा गया था। धुरके थाना में जब्त किए गए अवैध 33 पेटी शराब की जानकारी अनुमंडल पुलिस अधिकारी प्रमोद कुमार केसरी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि धुरके मुख्य पथ स्थित लाइसेंसी अनुज्ञप्तिधारी देसी शराब के दुकान में अवैध तरीके से दुगने दाम पर छिपाकर बिक्री करने के उद्देश्य से 2,50,000 रुपए की कीमत के कुल 33 पेटी में अंग्रेजी शराब रखा गया था। उन्होंने बताया कि जिसमें गॉडफादर कंपनी की एक पेटी में 33 पीस बियर, किंग फिशर के 8 पेटी में 191 बियर, वहीं अंग्रेजी शराब में रॉयल स्टेज की 3 पेटी में 180 ml का 96 पीस, वहीं इंपीरियल ब्लू का 21 पेटी में 180 ml का 960 पीस, 375 ml का 24 पीस अंग्रेजी शराब पुलिस ने दुकान से जब्त कर लिया है। वहीं दुकान से एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अनुमंडल पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना के माध्यम से यह जानकारी मिली थी कि अनुज्ञप्तिधारी देसी शराब की दुकान में अवैध तरीके से बड़े पैमाने पर अधिक मूल्य दाम में बिक्री किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर धुरके थाना से देसी शराब की दुकान में छापेमारी करने के लिए एक पुलिस टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद छापेमारी अभियान चलाकर दुकान से बड़े पैमाने पर भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब जब्त किया गया है। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि अवैध शराब गोरख धंधा करने वालों को किसी भी हाल में पुलिस के द्वारा नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे अपराध हो या अवैध गोरख धंधा करने वाले, पुलिस उनको गिरफ्तार कर FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करेगी। इस दौरान एक्साइज इंस्पेक्टर अमित मकड़ी, पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार, प्रभारी थाना प्रभारी रोशन कुमार, ASI आलोक कुमार मौजूद थे। इस संबंध में हम लोग अग्रिम कार्रवाई थाना के द्वारा किया जा रहा है। खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए गढ़वा दृष्टि YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।